टर्न में वन लास्ट क्लास में हमने ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, ऐसे राइटिंग का पूरा बैकग्राउंड कर दिया था। वी स्टार्टेड विद सिंपल कहाँ से स्टार्ट किया था, पैराग्राफ मेकिंग उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि एक पैराग्राफ में यू हाउ कैन यू अचीव कोहेरेंस एज वेल एज यूनिटी व्हिच इज नेसेसरी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ होता है उसके अंदर यूनिटी एंड कोहेरेंस आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ डू यू अचीव यूनिटी एंड कोहेरेंस। You discuss just one idea in one paragraph. You use connectives in between sentences, and then we discuss the structure of paragraph. A paragraph where you have. Did we discuss paragraph writing? Topic sentence. Yes, we did. A topic sentence होता है, उसके बाद फिर there are supporting sentences which directly either proves or further explains your topic sentence, and then there's a concluding sentence which concludes your paragraph. ठीक है, ये जनरल पैराग्राफ था जो आप अपने ऐसे राइटिंग में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा लिखेंगे। ये आपके वहाँ पर वो जो जितने मिडिल में पैराग्राफ होंगे ये वो होंगे। इसके अलावा व्हेन यू राइट आंसर्स, तो आपके हर आंसर में एक हेडिंग होती है एंड देन देयर इज अ पैराग्राफ एंड देन हेडिंग एंड देन पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ मेकिंग का रूल वहाँ भी फॉलो होता है। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करेंगे पहले तो राइटिंग प्रोसेस से। Generally, whenever you are supposed to start writing, what are the activities before writing that you have to do? This is a pre-writing session. Pre-writing. Pre मतलब होता है before writing. ठीक है, there are certain things that you need to do before writing, and then you revise those points, you structure, make a structure, put them into a structure, and then you edit it and your essay is complete. ठीक है, now there are multiple methods of pre-writing जिसमें आप लोगों ने कभी स्कूल में कॉलेज में या किसी बच्चे को करते हुए देखा होगा कि वो माइंड मैप बना लेते हैं। जो टॉपिक जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हॉबी है, माई हॉबी का अगर ऐसे दिया है हॉबी लिखी आपने, और फिर आप इस तरह से बना लेते हो कि आपकी हॉबी क्या है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तरह की चीज कुछ इजी बचपन में। कुछ लोग ट्री भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिस इज ट्री, कुछ लोग इसे डायग्राम कहते हैं, कुछ लोग इसे क्लाउड बोलते हैं, अलग अलग देर आर डिफरेंट नेम्स। ठीक है, सो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डू बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग। जब आपके पास ऐसे का पेपर आता है यू डू नॉट स्टार्ट राइटिंग एकदम से, इवन आउटलाइन भी फॉरन से बनाना शुरू नहीं कर देते। ठीक है, आप क्या करते हो, देर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन डू। अब आप उसमें से एक फॉलो करें, दो फॉलो करें, सारी फॉलो करें। ठीक है, प्री राइटिंग के अंदर देर आर सर्टन टेक्निक्स यू स्टार्ट विथ। प्री राइटिंग में छोड़ दो, आप लोगों के काम की नहीं है। क्वेश्चनिंग, ठीक है, सेकेंड इज मेकिंग अ लिस्ट, मेकिंग अ लिस्ट एंड क्लस्टरिंग, लास्ट इज स्क्रैच आउटलाइन। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये बनाए, मैं इनको हल्का फुल्का बता रही हूँ बिकॉज ये इतने काम की नहीं है आपकी। अगर आपको अगर आपको इनमें से कोई एक मेथड ज्यादा सूटेबल लग रहा है तो आप कर सकते हैं, वरना आई वुड सजेस्ट यू गो विद स्क्रैच आउटलाइन। आई विल टेल यू द रीजन इज दैट व्हाट इज क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग इज सिंपली यू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, ठीक है। यू स्टार्ट विद एनी टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। ठीक है, इफ द टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगे जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। ठीक है, मिथ मतलब जेंडर इक्वालिटी सच नहीं है, इट्स अ लाई। अब फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, डू यू थिंक इट इज ट्रू और नॉट। ऑब्वियसली आपने इन टॉपिक से पहले से पढ़ा हुआ होगा, तो यू मस्ट हैव सम आइडिया अबाउट इट। तो बेसिकली यहाँ पर जो पहले स्टार्ट क्वेश्चन है आपके माइंड में, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप को आंसर करो, you will start getting points. Okay, yes, it is a myth. क्योंकि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, अगर इक्वालिटी नहीं है तो उसकी क्या रीजन है? फिर आप कुछ रीजन भी, अगर आपको लग रहा है कि इक्वालिटी है तो आप उसके रीजन बताएं क्या क्यों आपको लग रहा है कि इक्वालिटी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप जो भी स्टांस लें, बट दिस इज हाउ इट इज। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, हर एक पॉइंट में से दूसरा क्वेश्चन बनाए, जो पॉइंट आ रहा है उसको फर्दर क्वेश्चन बनाए। अगर जेंडर इक्वालिटी, इफ आई एम सेइंग कि देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी, मैं कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट की बात हो रही है कि वी आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, तो मेरे पास कुछ ना कुछ रीजन होने चाहिए। वो आएंगे उस वक्त,
जब आप पहले ऑलरेडी इस टॉपिक पे या इससे रिलेटेड टॉपिक पे थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे. ठीक है, सो क्वेश्चनिंग में यू सिंपली आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस. ये होता है बिल्कुल एंड पे, लास्ट के पेज पे होगा काम. ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते जाए आपका पूरा पेज भर जाएगा, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास. ठीक है, अभी आपको सिर्फ कॉन्टेंट जमा करना है अपने एसे के लिए, वो इस तरह जाएगा. मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, प्रैक्टिस के लिए है. ठीक है, दूसरा मेथड है मेकिंग अ लिस्ट. जो जो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में आता जा रहा है, यू जस्ट मेक अ लिस्ट. जो भी आ रहा है उसकी लिस्ट बनाते जाए. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की डेफिनेशन आ रही है तो डेफिनेशन करके पूरी पूरी नहीं लिखनी, ऑब्वियसली जस्ट लिखते हैं डेफिनेशन. इज इट अ मिथ, इज इट नॉट अ मिथ, रीजंस, सॉल्यूशंस, जो भी एक 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 पॉइंट आता जा रहा है, जो भी एक एक पॉइंट आपके माइंड में आता जा रहा है, स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट. अभी इस टाइम पे आपको ये ख्याल नहीं करना कि यार ये तो रीजन है, मैं इसको सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ या कुछ भी. जो भी आ रहा है माइंड में, बस स्टार्ट यू नो डंपिंग इट ऑन योर पेपर, क्लस्टरिंग. ये ठीक है, हॉट आवर फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, जेंडर इक्वलिटी फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, इज अ मिथ. ठीक है, या हम थोड़ा न्यूट्रल से टॉपिक ले लेते हैं क्लाइमेट चेंज का. ठीक है, सिंपल क्लाइमेट चेंजेस का भी मैं उसके डायमेंशन में नहीं जा रही. अब क्लाइमेट चेंज अगर मेरे पास सिर्फ ऐसे ही टॉपिक आया तो क्या होगा, ऑब्वियसली किसी भी इस तरह के टॉपिक से क्या पॉइंट्स होते हैं, कॉजेस होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, तो आपका क्लस्टर इस तरह से बनेगा. डेफिनेशन आ जाएगी, प्रूफ आ जाएगा कि यस क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रू फिनोमेनन. मैं इसके कॉजेस पे आ जाऊंगी, causes further, जो जो मेरे माइंड राइटिंग है, causes क्या हो सकता है, deforestation, दूसरा cause क्या हो सकता है, राइटिंग है, causes क्या हो सकता है, deforestation, दूसरा cause क्या हो सकता है, तीसरा चौथा जो भी है. इफेक्ट्स पे आ जाओ, इफेक्ट्स क्या है, आपके वेदर कंडीशन चेंज हो रहे हैं, ड्राउट वगैरह ज्यादा हो रहा है. अब इसमें अगर मेरे पास कोई डेटा है तो वो भी मैं यहाँ लिखूंगी, ताकि असल होता क्या है, होता क्या है, when you start writing, मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत सारे बात होगा. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, आपने एक पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिख दिया, तीसरे पॉइंट पे आए, आपको याद आएगा कि पहले पॉइंट पे ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकती थी, या बाद में जाकर याद आती है ये डेटा लिखना तो भूल गए, होता है नहीं. तो दिस इज वाई यहाँ पर जरूरी है, जितनी भी थिंकिंग है ना आपकी, सोचना जितना भी, वो सारा यहाँ पर करना है. यू डिफॉरेस्टेशन के साथ आपको कोई डेटा याद है तो नंबर यहीं पर ही लिखते हैं, लेट्स से 25% ट्रीज, अपने ओन वर्ड में, ये कोई चेक नहीं करेगा. तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे, राइट इट इन अ वे दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है, कम से कम टाइम में जितना लिख सकते हो. इफेक्ट्स में अगर आप लिख रहे हो कि आपके वेदर कंडीशंस एक्सट्रीम होती जा रही हैं, एक्सट्रीम वेदर, और मैंने आगे इसमें फर्दर एग्जाम्पल, ताकि मैं आगे जब लिखने लगूँ तो भूल ना जाऊँ, जब भी माइंड में आया तो मैं अभी लिखूंगी. अब यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन लिख रही हूँ ना, हो सकता है उस टाइम पर मुझे दूसरा कॉज याद आ जाए. I still have time, I can still add the cause over here. ठीक है, अगर आप डायरेक्ट आउटलाइन बना रहे होते तो वहां पर जगह नहीं बचती आपके कॉज में वापस लिख देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सारी थिंकिंग करनी है अपनी, जो भी है एक्सट्रीम वेदर आ रहा है उसमें आपके पास एग्जाम्पल है या कोई डेटा है तो यहाँ पर मैंशन कर दें. सिमिलरली सोल्यूशन है, सोल्यूशन पर आ रहे हैं तो आपको फिर याद आ रहा है एक आधा कॉज और मेरे माइंड में आ गया, क्योंकि सोल्यूशन और कॉजेस आपके रिलेटेड होते हैं, कॉजेज आप हटा दो तो आपके सॉल्यूशन बन जाएंगे. ठीक है, जैसे डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर आपका कॉज है तो सॉल्यूशन क्या होगा, प्लांट मोर ट्रीज. ठीक है, या सेव ट्रीज इस तरह से करके. तो मे बी व्हेन यू आर ऑन सॉल्यूशंस यू रिमेम्बर दैट देयर इज अनदर कॉज. ठीक है, सो दिस इज क्लस्टरिंग. लास्ट इज स्ट्रेच आउटलाइन. स्ट्रेच आउटलाइन इज बेसिकली योर आउटलाइन इन ग्राफ. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो बिल्कुल आपकी कॉपी का फ्रंट पेज होता है, फेयर वर्ड जहाँ पर आप कर रहे होते हैं, वहीं पर ही वो पेंसिल से पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसको फेयर करते हैं पेन से, फिर वो इरेज करते हैं. ये मैं अपनी मैंने ये चीज़ की मैं बता रही हूँ आप लोगों को. ठीक है, पहले आप, क्योंकि मैं शुरू में यही हरकतें करती थी, पहले पेंसिल से लिखा, उसके बाद फिर उसको पेन से किया, फिर उसको मिटाया, तो बहुत टाइम वेस्ट होता था. इसकी जगह जो लास्ट के पेज ना, वो इन काम के लिए यूज करें, ताकि एटलीस्ट मिटाने का, इरेज करने का टाइम आपका बच जाए. तो स्क्रैच आउटलाइन इज योर रफ आउटलाइन जो आप अपने रफ में बनाओगे सारा सोचने के बाद. पहली फ्री राइटिंग, अच्छा मैंने वो नहीं बताया, बस वो काम की नहीं है आपकी.
क्वेश्चनिंग में आप अपने डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हु में कुछ भी नहीं आ सकता, व्हाट में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, व्हेन में अभी इट्स हैपनिंग मैं प्रूफ यहाँ दे सकती हूँ, ठीक है, वेयर ओवर द वर्ल्ड, फिर मैं पाकिस्तान को स्पेसिफिकली इसमें हाईलाइट कर दूंगी पाकिस्तान से रिलेटेड पॉइंट्स, हाउ में आपके कॉजेज आ जाएंगे. आप यहाँ पर क्वेश्चनिंग में जो आप कॉजेज लिखेंगे तो इफेक्ट भी आ जाएंगे, सॉल्यूशन भी आ जाएंगे, यहाँ पर इफेक्ट नहीं हो रहे क्वेश्चनिंग में, बट दिस इज हाउ योर माइंड शुड वर्क, राइट. यहाँ तक समझ में आया हो, एनी इश्यू सो फार? Let me show you what clustering, जो मैंने ये clustering बताया है, ये clustering किस तरह से, नजर किस तरह से आता है, ठीक है. In case you want to, you know, do this clustering thing, अब करना ये है कि when you start writing, क्योंकि यहीं पर ही आपका जितनी भी thinking है ना, जितने भी आपके points हो, सब यहाँ पर आ जाएंगे. Because when you turn over the page and you start writing your outline, फिर वो यही पॉइंट है जिनको add या subtract करके आप स्ट्रक्चर करके अपनी आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है. अच्छा, आप यहाँ पर हमें जो है साथ साथ एक कोई टॉपिक डिस्कस करना होगा, मुझे बताएं कौन से टॉपिक डिस्कस करें, आइदर जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ और क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज, ठीक है, लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव एनीथिंग ऑन दिस. Start with making an outline, essay outline, ठीक है. अच्छा, आप essay outline is very important. आपके essay में I think mention किया होता है ना, question में make an outline and write an essay. अब outline का ये है कि examiner को आपके English के essay के paper में क्या check करना होता है, आपकी grammar, राइटिंग स्किल्स, जिससे सब कुछ आ जाता है, आपकी ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ये सब चीजें. दूसरा वो आपके ऑब्वियसली कंटेंट भी देखेगा कि इज इट रेलेवेंट और नॉट. आपसे टॉपिक पूछ रहे हैं क्लाइमेट चेंज और आप पूरा लिख के आ जाओ ग्लोबल वार्मिंग पे, तो ऑब्वियसली इट विल बी इनकरेक्ट. तो वो कंटेंट भी अच्छा खासा चेक करता है. और ये दो चीजें, अब क्या मैंने दो चीजें आपको बोली चेक होती है, मैं सिर्फ से ग्रामर बोल रही हूँ, आप ग्रामर कह लें, राइटिंग स्किल्स कह लें, लैंग्वेज कह लें, जो भी कह लें. वन सेकेंड इज योर कॉन्टेंट, ठीक है. अब वो कंटेंट कहां से चेक करता है, सबसे पहले आउटलाइन, बिकॉज योर आउटलाइन इज समथिंग जहां पर आपने अपने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. आप अपने ऐसे में क्या बात करोगे, आप कोई भी एक बुक खोलो तो उसका इंडेक्स होता है पेज, योर आउटलाइन इज जस्ट लाइक दैट, कि वो इंडेक्स पेज आप पढ़ के आपको अंदाजा होता है कौन सा चैप्टर है. अक्सर उसमें डिटेल में बता दी जाती है इस चैप्टर में यही चीजें डिस्कस हुई हुई है. The outline, your outline should be this clear. उससे इतना अंदाजा हो जाना चाहिए कि आगे आपके ऐसे में आपने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं और आप क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो योर कॉन्टेंट द एग्जामिनर चेक्स थ्रू योर आउटलाइन, ये चीज याद रखें कि आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगी. योर ग्रामर एंड राइटिंग इज चेक थ्रू योर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऐसे, और इससे वो आपकी ग्रामर और राइटिंग स्किल चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहीं पर ही आपकी प्रेसी राइट प्रेसी जो रूल पर पढ़ाए थे वो याद ही होंगे, नहीं होंगे तो हो जाने चाहिए. तो जो प्रेसी के आपके स्किल्स हैं, आपने अपने कनेक्टर्स यूज किए हैं कि नहीं किए, आपकी ग्रामर का तो मसला नहीं है, सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट में तो इशू नहीं है, वो सारी चीज आपकी इंट्रोडक्शन देती है. क्योंकि वो एक इंट्रोडक्शन के दो सेंटेंस, जो शुरू के दो तीन सेंटेंसेस होते हैं, वो पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि बच्चे की ग्रामर अच्छी है कि नहीं है. सो दिस इज समथिंग, दीज आर द टू थिंग्स जिसपे आपको अपना सबसे ज्यादा फोकस रखना है, अलॉन्ग विद कंक्लूजन ऑब्वियसली. बट क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, अगर आपको समझ भी ना आ रहा हो कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है, चार बुक में से कौन सी बुक इसमें नहीं है, तो एग्जामिनर इसी माइंड सेट के साथ बैठा हुआ होता है, उसके माइंड में जो चीजें वो आपके आउटलाइन में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है.
अब इसी के लिए होगा, इसी चीज के लिए होगा कि आपका कंटेंट जो है आउटलाइन से पता चलता है. आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू मेक देयर आउटलाइन एज डिस्क्रिप्टिव एज पॉसिबल. अब इसके लिए मैं एनालॉजी बताए क्या यूज करती हूँ. एक दरख्त की, एक दरख्त है सूखा सूखा सा, दो तीन ब्रांचेज है एंड दैट्स ऑल. इसकी जगह दूसरा दरख्त है वो एक बड़ा सा तना है, उसके अंदर भी ब्रांचेज है, फिर उसके अंदर और ब्रांचेज है, फिर उसके अंदर लीव्स है, फिर उसके अंदर फ्लावर्स है. तो आपकी आउटलाइन इस तरह की होनी चाहिए, सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल स्टेटमेंट सही होनी चाहिए. आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना कॉजेस और फिर जो भी कॉजेस है 1 2 3. इतनी सिंपल सिंपल बिल्कुल पते से दरख्त की तरह नहीं बनानी. योर आउटलाइन शुड बी घनी. ये वर्ड मुझे खुद को किसी ने यूज किया था मेरे लिए, क्या रिमेम्बर दिस वर्ड. ठीक है, यू हैव टू, लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जांपल ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए आउटलाइन. अच्छा, मेरे पास यहाँ ओरिजिनल आउटलाइन मेरी नहीं लिखती थी, क्योंकि वो मैं हाथ लिखती थी, टाइप नहीं करती थी. बट आई विल ट्राई. फॉर एग्जाम्पल, अब आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज. इट्स जस्ट क्लाइमेट चेंज. मैंने इसके आगे कोई डायमेंशन वगैरह नहीं किए थे. दिस इज हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर एसे. मैं आप लोगों के आउटलाइन और इंट्रोडक्शन बता दूँ, उसके बाद मैं बता भी दूँ कि आउट किस तरह से यू कैन प्रिपेयर फॉर, यू नो, हाउ कैन यू गैदर कॉन्टेंट एंड एवरीथिंग. क्लाइमेट चेंज सिंपल मैंने रखा था, क्योंकि इससे पहले आई थिंक क्लाइमेट चेंज को कुछ आया हुआ नहीं था, ग्लोबल वार्मिंग शायद आ गया था. अब क्योंकि उस टाइम पे जब ट्रंप हुआ करता था तो वो क्लाइमेट चेंज के बहुत ज्यादा, यू नो, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ क्लाइमेट चेंज. ही यूज्ड टू से क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इट्स अ होक्स क्रिएटेड बाय चाइना ताकि वो हमारी इंडस्ट्री को ओवरकम कर ले. तो सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन क्या था, इज इट अ रियलिटी और नॉट. ठीक है, एक तो पहली बात आपने स्टार्ट अपना सबसे पहले ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन से करना है. अब पहले मैं खुद भी क्या करती थी, आई वुड जस्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड आई वुड मूव ऑन टू सेकंड जो भी मेरा होता था. बट इन माय फाइनल एग्जाम एंड इवन व्हेन आई यूज्ड टू गिव मॉक्स, आई चेंज्ड अ बिट, आई चेंज्ड माय स्ट्रेटजी अ बिट. इंट्रोडक्शन के बाद मैं यहीं पर ही लिख देती थी कि अपना थीसिस स्टेटमेंट, और फिर जो मेरा थीसिस स्टेटमेंट होता था आई यूज्ड टू राइट दैट ओवर हियर. अपनी आउटलाइन में ही थीसिस स्टेटमेंट बता देती थी, ताकि ये खास करके उन टॉपिक्स के लिए होता था जो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होते थे. जैसे क्लाइमेट चेंज तो सीधा सीधा टॉपिक है. अब मेरा फाइनल एग्जाम में टॉपिक आया था कश्मीर इशू एंड फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू एंड पाकिस्तान, ऐसा कुछ इशू था, ऐसा कुछ टॉपिक था. तो ऑब्वियसली आई हैड टू, यू नो, गिव माय पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने अपना जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, कि ऑब्वियसली आपको स्टे पॉजिटिव एंड एवरीथिंग, मैंने वो एक सेंटेंस में लिख के अपना थीसिस स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया था. ठीक है, फिर इसके बाद सेकेंड आपका टॉपिक पे डिपेंड करता है. इफ द टॉपिक रिक्वायर्स अ डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वालिटी इज समथिंग जिसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं. इवन क्लाइमेट चेंज की भी मैंने डेफिनेशन दी थी, क्लाइमेट चेंज इज समथिंग जिसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं. सो यू कैन राइट विद डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, या फिर यू कैन राइट व्हाट इज क्लाइमेट चेंज. Definition of climate change. इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी. अब कौन सी चीज आएगी वो आप दो गौर से देखना. This is a phrase. Definition of climate change is a phrase. यहां मैंने लिखा है what is climate change? This is a question. You have to stick to one of the two. ठीक है, या तो अगर आप sentences बना रहे हैं तो आपके outline में जितना भी आप बनाएंगे ना वो सारे sentences होंगे. अगर आपने एक जगह पर क्वेश्चन लिखा है ना, तो आगे आपके आउटलाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्वेश्चन फॉर्म में होंगे. और अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं तो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ एवरी पॉइंट. सबसे इजी वे आउट होता है आपके फ्रेजेस या सेंटेंसेस. यू कैन इवन मेक सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंसेस. ठीक है, बट द पॉइंट इज, अगर आप फ्रेजल सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर आप फ्रेजेस बना रहे हैं, तो आपकी पूरी आउटलाइन में यूनिटी होनी चाहिए, सब फ्रेजेस होने चाहिए. अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहे हैं पॉइंट्स, तो पूरे आउटलाइन में क्वेश्चन फॉर्म में होने चाहिए. अगर आप कंप्लीट सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो आपकी पूरी आउटलाइन में कंप्लीट सेंटेंसेस होने चाहिए. आई पर्सनली एडवाइज एवरीवन नॉट टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस. व्हाई? बिकॉज वन, एक तो जब आप कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करते हो तो यहाँ पर आपके टेंस का बहुत इशू आ जाता है.
जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हैं ना तो इतना इशू नहीं आता, क्योंकि वो लिंक होता है। यहाँ पर पहला पॉइंट लास्ट पॉइंट से लिंक नहीं है तो हो सकता है आपका टेंस का इशू आ जाए। सो दिस इज व्हाई आई एडवाइज माय स्टूडेंट्स नॉट टू गो फॉर सेंटेंस फॉर्म, बट इफ यू इट इज इजी फॉर यू, आपके लिए जो सबसे ज्यादा आसान है, जो ज्यादा नेचुरली आता है, उसकी तरफ जाइएगा। जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ आप लोग सेंटेंसेस ना यूज करें, हो सकता है सेंटेंसेस आपके लिए ज्यादा नेचुरली बन जाए आपसे। तो जो ज्यादा नेचुरली ज्यादा इजीली आपके साथ लगे आपको, यूज दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सेकेंड आपका जो भी टॉपिक होगा उसकी डेफिनेशन दे दें। अगर कोई हिस्टोरिकल टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर वाला हिस्टोरिकल टॉपिक का, तो सेकेंड हेडिंग मेरी होती इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। या आप देखें, मैं ना ये बहुत सिंपल वोकैबुलरी में यूज कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप खुद से गूगल करें कुछ करें तो ऑब्वियसली आपको थोड़े बहुत ज्यादा बेहतर वर्ड्स में भी मिल जाएगा। अडॉप्ट दोस वर्ड्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यू कैन मे बी कम अप विद सम अदर बेटर हेडिंग्स। तो एक दफा मतलब ये दो चार चीजें आप याद कर लें। अगर डेफिनेशन बतानी है तो क्या आपको टर्मिनोलॉजी सेंटेंस यूज करना है, जहाँ बतानी है वो यूज कर लें। अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी चीज का बताना है तो जस्ट गूगल दैट, कि किसी भी चीज को अच्छे से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने के लिए व्हाट यू कैन यूज, वर्ड्स यू कैन यूज, टर्मिनोलॉजीज यू कैन यूज। ठीक है, या डेफिनेशन आएगा या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा, या हो सकता है दोनों चीजें आए। ठीक है, तो योर सेकेंड वुड बी आइदर ऑफ द टू। अब थर्ड पॉइंट अगर मेरा था, As I said, उस टाइम पे बहुत बातें चल रही थी कि ट्रंप डिडंट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, तो वो क्लाइमेट एग्रीमेंट जो भी था उनसे भी विड्रॉ कर रहा था। तो मेरा थर्ड पॉइंट मेरे टॉपिक को प्रूव करने के लिए मैंने बनाया था एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, पॉइंट्स दैट प्रूव दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रू फिनोमेना। ठीक है, अब सबसे पहला एविडेंस मेरा था एक्सट्रीम क्लाइमेटिक एक्सट्रीम क्लाइमेट events, ठीक है, this was my point to prove my actual ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे पास कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, बट दिस पॉइंट इज कि आपका क्लाइमेट जो है ना इसके एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, गर्मियाँ शदीद गर्म होती जा रही है, सर्दियाँ शदीद सर्द होती जा रही हैं। इसके अलावा टोर्नेडोस या नहीं, वो सेकंड पॉइंट है मेरा क्लाइमेट इवेंट में बस यही है कि आपके हरिकेन्स फ्लड्स ड्राउट्स ये जो है इनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें मुझे ये एग्जाम्पल लिखनी थी, ठीक है, मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है कि एक रिसर्च थी जिसके हिसाब से इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो है नेचुरल डिजास्टर्स की वो बढ़ती जा रही है। अब ये पूरा एक सेंटेंस को मैं लिखूंगी एज अ सपोर्टिंग सेंटेंस इन माय पैराग्राफ, बट उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, एक डैश डाल के मैंने लिख दिया, या यहाँ पर ए लिखा था तो यहाँ पर बंद कर दिया। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स increased since 1980s. ठीक है, मैंने अपना एक पॉइंट दिया कि मैं एविडेंसेस दूंगी दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रू फिनोमेना। उसमें मैंने अपना पहला आर्ग्यूमेंट दिया एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स। ठीक है, अब उस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो भी मैंने आगे अपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस या अपना डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को मैंने हल्का फुल्का यहाँ मेंशन कर दिया है। जो मैं कंटेंट की बात कर रही थी, अब एग्जामिनर जब पैराग्राफ यहाँ देखेगा ना उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये बात है और इस बात को प्रूव करने के लिए डेटा भी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेरा था जो
तू भी तो मैं कोई अच्छा वाला पॉइंट लिख के बता दे क्यों मेल्टिंग ऑफ मेल्टिंग आइस कैप्स एंड राइजिंग सी लेवल्स जो कि हमारे बर्फ आर्कटिक वगैरह के रीजन है वहां पर जितने भी आइस कैप्स हैं जो ऑल आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर्स जो मैं कह रही हूँ कि आपकी सर्दियां बढ़ती जा रही है गर्मियां और ज्यादा शदीद होती जा रही है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है फर्दर हमारे आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और हमारे सी लेवल बढ़ता जा रहा है राइजिंग सी लेवल अब ये बातें मैंने ऐसी डायरेक्टली नहीं की है मैंने पहले इसके ऊपर रिसर्च की थी ऑब्वियसली तब भी मेरे पास ये पॉइंट आए हैं इसके ऊपर अगेन मेरे पास जो भी डेटा है ग्रीनलैंड लॉस्ट 4K अब मैंने 4K लिखा इसको कंप्लीट 4000 नहीं लिखना 4 trillion tons आइस सिंस 2000 एंड जो भी था मैंने कहा नहीं है सिंस 2002 ठीक है मैंने एक पॉइंट अगेन अपना दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया कि आपके आइस कैप्स है वो ज्यादा जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं पीक में मेल्ट हो रहे हैं मेल्ट तो हमेशा सी होते थे बट उनकी पीक बढ़ गई है और उसकी वजह से हमारा सी लेवल राइज हो रहा है तो उसका फर्दर मैंने जो भी मैंने आगे उसमें अपना सपोर्टिंग सेंटेंस लिखा था पैराग्राफ का वो सपोर्टिंग सेंटेंस मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है ठीक है अब देखिए मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ दिस इज माई कंप्लीट पैराग्राफ मैंने अपने पूरे पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट्स में लिख के बेसिकली उसको बुलेट पॉइंट्स में से जो भी पॉइंट्स निकाल के बुलेट पॉइंट्स में लिख के यहाँ पर मेंशन कर दिया है ये मेरा टॉपिक सेंटेंस होगा ठीक है वन ऑफ द मेजर एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज वन ऑफ द मेजर एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स ठीक है दिस इज माय टॉपिक सेंटेंस मैंने अपना टॉपिक सेंटेंस लिखा इसके बाद मेरा सपोर्टिंग सेंटेंस होगा दिस इज एविडेंट टू द फैक्ट दैट द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स ड्राउट्स हैव इंक्रीज्ड आपका जो पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ को बुलेट पॉइंट में उठाकर अपने आउटलाइन में आपने मेंशन कर देना है ये आपका दूसरा पैराग्राफ है This is your second paragraph from this part, I mean. ठीक है अब आपको आउटलाइन क्यों जरूरी है अगर अगर हम बात करें आपकी एग्जामिनर की चेक करने की when, अच्छा जब मैं ऐसे चेक करती थी तो मैं क्या करती थी सबसे पहले आपकी जो मैं करती हूँ आई मैच द आउटलाइन विथ द एक्चुअल एसे दिस शुड बी योर वन पैराग्राफ पैराग्राफ वन है दिस इज योर पैराग्राफ टू ये छोड़िए दिस यहां से यहां तक दिस शुड बी योर पैराग्राफ 3 दिस शुड बी योर पैराग्राफ 4 और जब एग्जामिनर आपका ऐसे खोले तो उसको इतना ही पैराग्राफिंग आपके आउटलाइन के हिसाब से नजर आनी चाहिए अगर वो ऐसे टर्न करके देख रहा है काउंट कर रहा है आउटलाइन में आपकी उसको मुझे एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है उसको देखना है कि ये पॉइंट है क्या और वो आउटलाइन में आपका पैराग्राफ नंबर 7 बन रहा है उसने अपना ऐसे खोला और फिर काउंट किया एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो गया उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो आपका 7 पॉइंट जो आउटलाइन में है आपके पैराग्राफ का वो 7 आपके ऐसे का वो 7 पैराग्राफ ही होना चाहिए ठीक है यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं लिखनी जो आपने ऐसे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना आपने ऐसे में आपने ऐसी कोई एक्स्ट्रा बात लिखनी है जो आपने यहाँ पर अपनी आउटलाइन में नहीं बताई योर आउटलाइन एंड योर एसे शुड बी सिंक्रोनाइज्ड ठीक है इसी तरह से आप अपनी आउटलाइन कंप्लीट करेंगे अगर आपके पास और एविडेंसेस हैं अगर आपने रिसर्च की है और एविडेंसेस हैं तो पॉइंट सी डी जितने भी हो जाएगा इसके बाद ऑब्वियसली 4th पॉइंट आपका आएगा कॉजेस ऑफ एग्रेवेटिंग क्लाइमेट कंडीशंस अब आप उसको सिंपल करके बात लिखे कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत सिंपल हो जाएगा प्लेन हो जाएगा यूज सम गुड वोकैबुलरी 2-4 वर्ड जो है अच्छे अच्छे याद कर लें कॉजेस की जगह कोई और वर्ड यूज कर सकते हैं तो कर लें सिनोनिम निकाल लें ये वो चीजें हैं जो आप अभी खुद से कर सकते हैं प्रेसी वगैरह में आप अपने सिनोनिम्स नहीं निकाल सकते आपको नहीं पता प्रेसी कौन सी आएगी
बट ऐसे में आपको पता है कोई भी टॉपिक आएगा मे बी आपको पॉजेस देने पड़े कहीं, तो पॉजेस के लिए आप कौन से एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं वो निकाल लें. ठीक है, जैसे एग्रीमेटिंग हम यूज करते हैं कोई भी चीज बढ़ रही है उसके लिए, प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन वर्ड आता है. इस तरह की टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स जो है ना वोकैबुलरी वो निकाल लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी एग्जाम में. कॉजेज ऑफ एग्रीमेटिंग क्लाइमेट कंडीशन, फिर आपका ए जो भी कॉज है डिफॉरेस्टेशन या रैपिडली इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन. अगेन मैंने जो घनी वाली बात करी मैंने खुद ही उल्टा किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डिफॉरेस्टेशन बल्कि रहने दे तो आप लोगों को पता चले. इंस्टेड ऑफ राइटिंग जस्ट डिफॉरेस्टेशन यू मेक इट मोर क्लियर. व्हाट डिड आई से? रैपिडली इंक्रीजिंग. अब इंक्रीजिंग के अलावा मेरे माइंड में कोई वर्ड नहीं आ रहा, यू कैन यूज सम अदर वर्ड. रैपिडली इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, सिंपल वर्ड था डिफॉरेस्टेशन, उससे पहले मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब लगा दिया. ठीक है, सिर्फ ये एडजेक्टिव्स एडवर्ब इस तरह की चीजें लगाने से आपकी आउटलाइन थोड़ी खूबसूरत हो जाती है, प्रेजेंटेबल हो जाती है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन वर्ड पॉइंट्स राइट एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योर इवेंट्स, राइट एडवर्ब्स टू डिस्क्राइब अ फिनोमेना. ठीक है, अब अगर मेरा पॉइंट है रैपिडली इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, इसमें मैं यहीं पर ही वन डाल के या डैश करके जो भी मेरे पास पॉइंट है या डेटा है फायर इन एमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन सितंबर आर कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन एट अ मैसिव लेवल. ये मेरा सपोर्टिंग सेंटेंस था, उस टाइम पे एमेजॉन फायर हुई थी जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम चली थी, उनका पूरा फॉरेस्ट तबाह हो गया था क्योंकि वो उस टाइम पे चल रहा था, तो मैंने नहीं किया था. बाद में रैपिडली इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन फिगर ले आए कितने परसेंट ट्रीज जो है वो कट कर दिए गए या फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, जो भी है उसको एक फ्रेज फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं, उसी को फिर आप कंप्लीट सेंटेंस बना देंगे अपने ऐसे में सपोर्टिंग सेंटेंस. ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, आउटलाइन आपकी किस तरह से बनेगी. देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, पहले कंपटीशन इतना नहीं था. ठीक है, अब आप देखें तो 40 मेरे टाइम में 40,000 लोगों ने अप्लाई किया था, उससे पहले कितने 10, 12, 15, मैं पहले की बात करूँ इवन बिफोर द सिलेबस चेंज इतने ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते थे, कंपटीशन कम था उसमें, फिर सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते थे. ठीक है, जब कॉम्पिटिशन नहीं होता तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, कॉम्पिटिशन कम है. यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं आप सब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, मेरे पास सीट्स दो है, आप सबने लिखा है ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स, ऑब्वियसली फॉरेस्ट ये क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट क्या होगा, कोई अपना पॉइंट तो बनाएगा ही नहीं, तकरीबन सबके सेम ही होंगे. मेरे पास सीट एक है और आप सबने बताया क्या, मैंने क्या चीज देखूंगी, यूनिकनेस किसने अलग करके लिखा हुआ है. अब पहले क्या होता था कि वो सिंपल आपका इंट्रोडक्शन हो जाता था, ठीक है, सेकेंड आपकी डेफिनेशन हो जाती थी. अब इनोवेशन मैंने, मैं क्या इनोवेशन लेकर आ गई, मेरे थीसिस स्टेटमेंट यही दे गया, थोड़ा अलग हो गया. ठीक है, अब पहले इसके अलावा क्या होता था, सिंपल जो कॉजेस लिख के, जो भी कॉजेस लिख दिया आपने और कॉजेस जो भी ए बी सी डी लाइन से सीधे सीधे 4-5 कॉजेस लिख दिए. एक ये पेपर आया है मेरे पास कि सिंपल 4-5 कॉजेस आपने ऐसे जैसे लिख दिए, दूसरा पेपर आया है जिसमें कॉजेस के साथ थोड़ी सी डिटेल दे दी है आगे आगे सेंटेंस की या फ्रेज की, जिसमें हल्का फुल्का अपना डेटा बता दिया है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ज्यादा फीजिबल क्या होगा. अब वो कौन से चीजें लिखे उसका मैं ज्यादा पूरा ऐसे करूंगी, फिर देखूंगी कि इज इट रिलेटेड और नॉट, इसकी बजाय मुझे वहीं पर ही पता चल रहा है कि हाँ स्टूडेंट ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव भी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे लिए ज्यादा अच्छा, मुझे पर्सनली कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा जिसमें ज्यादा बेहतर लिखा है, इससे ज्यादा अच्छी डिटेल दी है. ठीक है, सो पहले ये सब कुछ एक्सेप्टेबल था, मे भी अभी भी कुछ केसेस में होगी कि कौन से स्टूडेंट सिंपल से ऑनलाइन बनाकर आए हैं, देयर फास्ट नॉट लाइक दे नाउ, बट अगेन उन्होंने कुछ ना कुछ अलग जरूर किया होगा. क्योंकि देखिए जब आप 12 महीने या 6 महीने जब 12 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, नॉलेज सबके पास उतनी ही होती है, किसी ने बल्कि ज्यादा पढ़ा होता है. एट द एंड इट जस्ट डिपेंड हाउ यू प्रेजेंट दैट नॉलेज टू द एग्जामिनर. ठीक है, सो ट्राई टू मेक योर पेपर यूनिक, ट्राई टू यू नो मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. वो चार कॉपीज सबके पॉइंट सेम होंगे, अगर मैं अभी ऐसे लिखने के लिए दू अभी आपके आप लोग ऐसे लेकर आएंगे सबके पॉइंट्स मोर और लेस सेम होंगे, क्योंकि सब एक ही इंटरनेट यूज करते हैं, सबके पास एक ही सोर्स है,
इंटरनेट बुक्स या जो भी, किसी का कोई अलग कोई नहीं होगा, चार पांच दिन से पहले वही पढ़ते होते हैं, तो डिफरेंस सिर्फ आप लोगों की राइटिंग से आता है कि आप किस तरह से उसे अलग करते हैं. ठीक है, प्लस ट्राई टू मेक इट यू नो वेरी गुड लुकिंग, देखने में अच्छी लगेगी, पर बोले तो कोई ये ना हो. अभी मैंने कोई 30 के करीब पेपर चेक किए ऐसे के, और मैंने उसे पता है क्या काम किया, सिर्फ मैंने पहले देखा है कि गंदी राइटिंग थी ना जो समझ नहीं आई थी उनको एक तरफ किया है, जिसने थोड़ा सफाई से काम किया था उसको एक तरफ किया है मैंने. पहले मैंने वो अच्छी वाली कॉपी चेक की है, अब उससे क्या हुआ मेरा स्टैंडर्ड पहले ही बन गया कि दिस इज व्हाट अ गुड पेपर शुड लुक लाइक. तो जो दूसरी तरफ गए वो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव में जा रहे हैं, मेरे माइंड में उनकी नेगेटिव इमेज बन गई है कि मेहनत ही नहीं की है भाई, काम ही अच्छा नहीं किया है. सो ऑल दीस थिंग्स मैटर इन योर एग्जाम, चाहे वो टीएसएस का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, मेक इट इजी फॉर द एग्जामिनर, एग्जामिनर के लिए आसान बनाएगा, वो खुश होकर आपका पेपर चेक करेगा तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे. कोशिश करेंगे इसको पूरा एक पेन से ना करें, डिफरेंट ब्लैक और ब्लू का कंट्रास्ट कर ले, अगर सिर्फ एक ही पेन से, क्योंकि कुछ फिंगर मैंने देखे सिर्फ एक कलर से किए थे तो वो बहुत खूबसूरत थे. पेन राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस करें, आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए वर्ड्स क्या लिखे हुए. एक दो मैंने यहाँ पर पेपर चेक किए थे, आप लोगों के वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे थे, तो चाहे आपने जितना भी अच्छा लिखा हुआ हो अगर एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है तो आपको मार्क्स नहीं देगा. एग्जामिनर ये सोचिए आप लोग पेपर करें कि एग्जामिनर वहां आपको पास करने के लिए नहीं फेल करने के लिए बैठा है, तो उसको कोई मौका ही ना देंगे वो आपको फेल करने. ठीक है, वर्क ऑन योर राइटिंग, वर्क ऑन एलिजिबिलिटी कि आपकी समझ में आए राइटिंग क्या लिखी हुई, वर्क ऑन प्रेजेंटेशन. मेरा पेपर 2.5 घंटे में हो गया था ऐसे का, मेरे पास आधा घंटा तो वो पहले जाने नहीं देते, मैंने आधा घंटा बैठ के ना अपने पेपर को सिर्फ सजा लिया. तो कोशिश करके थोड़ा सा ना सफाई से काम करें, अभी से इसकी प्रैक्टिस करें, जब आप अभी नोट बनाए या कुछ करें तो अभी से प्रैक्टिस करें, सो दैट इट बिकम्स योर हैबिट. दिस इज योर आउटलाइन, आउटलाइन यहाँ पे समझ में आई. एक मिनट, आप लोगों ने याद करें अपने पास नोटिस की है, नोट की है, क्योंकि आगे हम ऐसे इसी पे बिल्ड करेंगे. जी मैं इंट्रोडक्शन पे पूरा इंट्रोडक्शन इसी पे बेस करते हुए अभी बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन किस तरह से बनता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा आप लोगों ने ये पॉइंट सीख लिए हैं अपने पास. अच्छा, इसके अलावा भी एक दो, अच्छा दो एविडेंसेस लिखी है, दो अपने कॉलेजेस लिखे हैं, सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ताकि आप लोगों के पास, अगर क्योंकि मैं ये रेस कर दूँगी आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा लिखने भी ईजी पाऊंगे. डिफॉरेस्टेशन दूसरा आप लोग लिखते हैं अपने पास, इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो भी है वो ज्यादा कौन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. अगेन मुझे पूरा चार्ट मिल गया था जब मैंने ये चीज लिखी थी ना कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, मेरा ये पॉइंट जो था हु इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें फिर जो है मैंने फर्दर इंस्टेड ऑफ राइटिंग पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कंट्रीज के बाकायदा नाम लिख दिए थे, यूएस कॉन्ट्रीब्यूट दिस पर्सन टू नहीं है. अब आपको टॉपिक जो है ना पूरा होलिस्टिकली लेना है, आपने ये भी बता दिया कि इसके कॉजेस क्या है, आपने बताया कि इसके पीछे इसका जिम्मेदार कौन है. आप बिफोर गिविंग योर इम्पैक्ट, हाँ बल्कि मैंने इम्पैक्ट निकाला, अब कुछ इम्पैक्ट आपके मैंने जो यहाँ बताए हैं एविडेंसेस, ये इम्पैक्ट नहीं है मगर ये ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग कि और अब होगा, इसलिए मैंने इसको एज एविडेंसेस ले लिया था. कुछ लोगों ने अब लिखे तो इसको एविडेंसेस नहीं एज अ कॉजेस भी लेंगे, पर मुझे थोड़ा अलग करना था तो मैंने इसको एविडेंसेस के तौर पर ले लिया. मैंने इम्पैक्ट नहीं लिखाए थे, इफेक्ट्स नहीं बताए थे, मैंने क्या बताया था फर्दर क्या इफेक्ट हो सकते हैं. ठीक है, अगर इसको कंट्रोल ना किया क्लाइमेट चेंज को, व्हाट अदर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट्स कैन हैव, कैन द वर्ल्ड हैव, जिसमें मैंने लिख दिया था इंपैक्ट्स ऑन कोस्टल एरियाज, कि कोस्टल एरियाज जो है हमारे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बात की थी राइजिंग सी लेवल्स की, तो वो जमीन आपके पास जाएगी ऑब्वियसली खत्म हो जाएंगे कोस्टल एरियाज. इसमें फर्दर रिसर्च आ गई थी
कौन कौन से छोटे छोटे आइलैंड्स तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और कितने हैं जिनमें खतरा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट फ्लड्स अभी हो रहे हैं मगर फर्दर और इसमें जैसे एक तरह से पेशेंट वही की गई है कि और ज्यादा इंटेंस होते जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इम्पैक्ट जो हो चुके हैं, मैंने लिखा था कि इम्पैक्ट जो और हो सकते हैं। फिर फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन हो रही है, ये सब चीजें। ठीक है, इसके बाद मेरा पॉइंट था अब तक, क्योंकि आपको अच्छा किसी भी चीज का सॉल्यूशन जब आपको लिखना हो, अगर जेंडर इक्वालिटी का भी सॉल्यूशन लिखना हो, हाउ टू अचीव इक्वालिटी या और भी कौन कौन से इश्यूज है, वाटर आपका इशू है, उसके भी सॉल्यूशन लिखना है, तो ये वो इशू है जो आप पहली दफा सॉल्यूशन नहीं बता रहे, उसमें कोई ना कोई काम ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे ऑलरेडी बहुत से लीगल बाइंडिंग है, लीगल एग्रीमेंट्स है। रियो अर्थ समिट का 1992 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, तो दिस इज वन थिंग यू कैन डू कि ऑलरेडी जो स्टेप्स ले चुकी है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वालिटी की जब बात हुई थी, हाउ टू अचीव जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, तो मैंने लिखा था स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है, जो वो फ्रेंडली लॉज लेकर आ रही है, और जो भी इस तरह के पॉइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी चीज की सॉल्यूशन ढूंढे आप, पहले देखेंगे गवर्नमेंट उस पर क्या काम कर चुकी है ऑलरेडी, और वो भी अपनी आउटलाइन में मेंशन कर दें। Steps taken to mitigate climate change, आप अपने पावर सोर्सेज जो है उसको शिफ्ट कर दें, इलेक्ट्रिसिटी आपकी इंस्टेड ऑफ रिलायंस, क्योंकि हमने ऊपर बात की थी फॉसिल फ्यूल्स की, तो इंस्टेड ऑफ रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल यू स्टार्ट यूजिंग अदर रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, अब हमने डिफॉरेस्टेशन एक कॉज बताया था, तो उस पर हम फर्दर क्या बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्लांट मोर ट्रीज, स्टार्ट ट्री प्लांटेशन ड्राइव, जिसमें मैंने एग्जाम्पल पाकिस्तान की लिखी थी कि कौन से मिलियन ट्री प्लांटेशन थी, अपना एक उसका नाम ही सब थे वो लिख दिया था मैंने। ठीक है, तो आपके जो कॉजेज हैं उनको ही कन्वर्ट करके आप अपने सॉल्यूशन बना दीजिएगा, एंड किससे करेंगे आप, कंक्लूजन से। ठीक है, एंड बिल्कुल आपका लास्ट आ जाएगा कंक्लूजन का। सबसे ज्यादा टाइम आपका किन दो चीजों में लगना चाहिए, एक आउटलाइन में और एक इंट्रोडक्शन में। आउटलाइन और इंट्रोडक्शन को भी अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा टाइम आपका आउटलाइन में लगेगा, इंट्रोडक्शन में उससे भी कम टाइम लगेगा। व्हाई? बिकॉज़ आप अपने आउटलाइन को पूरा कन्वर्ट कर देते हो एक पैराग्राफ में और उसे आप इंट्रोडक्शन कह देते हो। ठीक है, हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर भी। Let me see if I've missed some points about outline first. अच्छा, मैंने ये भी किया था कि जो मेरा thesis statement था, जैसे मैंने यहाँ पर thesis statement लिख दिया था conclusion की heading डाल के, I don't remember this if I did this or not, but I think क्योंकि जब मैं practice करती थी मुझे climate change की याद है, एक कोड लिख दिया था मैंने अपना कंक्लूजन में, वही कोड मैंने रिपीट कर दिया था अपना एंड में बिल्कुल पेपर के कंक्लूजन में। ठीक है, आउटलाइन का आई थिंक मैंने अपना लिखा था, मुझे याद नहीं है, मैं भी कुछ श्योरली नहीं कह सकती, बट यू जस्ट कैन ऐड कंक्लूजन। अच्छा लोग, क्योंकि मैंने शुरू में जब एक दो वॉक किए थे ना, उसमें मैंने क्या किया था, आई यूज्ड टू फॉरगेट दिस कंक्लूजन थिंग, कंक्लूजन की हेडिंग डालने ही भूल जाती थी, सो बी वेरी केयरफुल विद दीज थिंग्स, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर हेडिंग डालें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने ऐसे राइटिंग पर, ये वाले पॉइंट्स सबने लिख दिए ना अपने पास। ऐसे राइटिंग में आपके देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ योर ऐसे राइटिंग, वन इंट्रोडक्शन,
टू बॉडी थ्री कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपकी क्या चीजें आती हैं? योर थीसिस स्टेटमेंट एंड योर जनरल स्टेटमेंट, जिसे हम सपोर्टिंग सेंटेंस, जनरल स्टेटमेंट में बात करूंगी अभी, क्या जनरल स्टेटमेंट कह रही हूँ मैं, जनरल स्टेटमेंट, ठीक है। बॉडी में आपकी क्या आते हैं? सपोर्टिंग पैराग्राफ, जो हमने पैराग्राफ राइटिंग पढ़ी थी पहले क्लास में, पहली इससे पहले वाली क्लास में, वो पैराग्राफ राइटिंग यहाँ आती है। अब इस पैराग्राफ, अब ऑब्वियसली बॉडी इज नॉट जस्ट वन पैराग्राफ, इसमें आपके पास जितने पॉइंट्स होंगे मैंने पहले बताया, अभी आपको जो यहाँ पे ना होता है मैंने आपको बताई, तो ये पूरा